तो दोस्तों देखिए, ये हमारे दोस्त जो हैं वेल्डर भाई, किस तरह से ये वेल्डिंग मार रहे हैं, मूव कर रहे हैं, रूट मार रहे हैं। ये 16 इंच का पाइप है और फिटअप हुआ है, रूट हो रहा है। देखिए किस प्रकार से ये रूट मार रहे हैं मूविंग करके। तो दोस्तों अगर आप वेल्डर बनना चाहते हैं तो हमारे वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा दोस्तों, और ये किस तरह से वेल्डिंग मार रहे हैं आपको दिख रहा है, रूट मार रहे हैं दोस्तों। 16 इंच का पाइप है तो हम आपको एंड तक बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आपके दोस्त लोगों को भी पता चले कि किस प्रकार से आर्गन वेल्डिंग किया जाता है, किस प्रकार से टिग वेल्डिंग मारा जाता है। तो दोस्तों आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर एंड तक बने रहिए। इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा तो आपको समझ में आएगा दोस्तों, नहीं तो हमको लगता है कि आपको उतना समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एंड तक बने रहिएगा हमारे वीडियो पे, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा दोस्तों। तो देखिए किस प्रकार से ये रूट मार रहे हैं। ये आर्गन टॉर्च हाथ में लिए, आर्गन टॉर्च है, ये आर्गन वेल्डिंग चल रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये किस तरह से मूविंग करके वेल्डिंग मार रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे रूट मारने के बाद अंदर से भी कि किस प्रकार से रूट मारा गया है और किस तरह से दिख रहा है दोस्तों। अभी इसके बाद ये मेल्टिंग पॉइंट के लिए थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। अभी टंगस्टन रॉड सही कर रहे हैं। इसके अंदर एक रॉड आता है जिसका नाम टंगस्टन है, और ये जो वेल्डिंग होता है गैस के थ्रू वेल्डिंग होता है। ये गैस टंगस्टन रॉड, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। तो देखिए किस प्रकार से ये रूट मार रहे हैं। इसी तरह से अगर आप भी वेल्डर बनना चाहते हैं तो आपको भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा, आपको भी रूट मारना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर आपको समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे दोस्तों कि कितना मैक्सिमम, कितना से कितना करंट होना चाहिए, मैक्सिमम कितना से कितना गैस होना चाहिए। ये हर चीज़ बहुत मायने रखता है। तो इसी तरह से आपको हमारे साथ बने रहिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या कितना पे हमको गैस रखना है, कितना पे टंगस्टन रॉड रखना है, कितना पे टंगस्टन निकालना है, कितना हमको पावर चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ समझने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा हमारे चैनल पे, नहीं तो आगे चल के आपके लिए, अगर आप वेल्डर बनना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और हम आपके सामने ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं। हम कभी भी आप लोग के लिए ऐसा ही वीडियो लेके आते हैं दोस्तों, कभी फिटअप का, कभी वेल्डिंग का। यही हमारा चैनल है जो हम सिर्फ टेक्निक के बारे में बताते हैं कि किस तरह से वेल्डिंग करना है, किस तरह से फिटअप करना है, किस तरह से वेल्डिंग मारना है। ये सब चीज़ हम आपको आप सबों के बीच लाते रहते हैं, या कभी कभी सिविल का भी वीडियो हम डाल देते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा एंड तक तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से ये वेल्डिंग किया जाता है। देखिए रूट अंदर से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से रूट मारा गया है। ये दो वेल्डर मिल के मार रहे हैं। देखिए एक फिलिपिनी है, ये फिलिपींस देश का वेल्डर है, और देखिए अब दोनों वेल्डर ग्राइंडिंग करेंगे दोनों तरफ से हॉट पास मारने के लिए। इसके बाद हॉट पास मारेंगे तो देखिए दोनों तरफ से ग्राइंडिंग कर रहे हैं, और लास्ट में हम आपको दिखाएंगे कि ऊपर जब ग्राइंडिंग करना होगा तो किस प्रकार से अपने दोस्त को बचाने के लिए एक वेल्डर अपने हाथ से रोकेगा जो इसका कचड़ा निकलेगा। देखिए अभी ये किस प्रकार से कि अब मेरे दोस्त के ऊपर ना जाए, जो भी इसका ग्राइंडिंग का मेटल है उसको ना पड़े। और देखिए किस तरह से हाथ करके रोक के, और रूट को ये लोग ग्राइंडिंग कर रहा है। रूट के ग्राइंडिंग करने के बाद हॉट पास मारेंगे दोस्तों। जब हॉट पास मारने के टाइम हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे, देखिए रूट किस तरह से पहले लोग ग्राइंडिंग भी मार रहा है और रूट देखिए किस तरह से निकला हुआ है। और इसके बाद ये लोग फिर जब हॉट पास मारेगा तो भी हम आपको अंदर से दिखाएंगे। देखिए अभी हॉट पास चालू करने वाले हैं ग्राइंडिंग के बाद। देखिए हमारे दोस्त बैठ चुके हैं, अभी पोजीशन ले लिए हैं, और पोजीशन लेने के बाद देखिए अब ये हॉट पास चालू कर दिए, ये हॉट पास मार रहे हैं इसी तरह से। देखिए
ये मूविंग करके हॉट पास मार रहे हैं। तो आपको भी अगर वेल्डर बनना चाहते हैं तो इसी तरह से ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो हमारे वीडियो को हर चीज़ पे गौर कीजिएगा कि किस प्रकार से ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वेल्डिंग हो रहा है, ये सब चीज़ बहुत मायने रहता है वेल्डर बनने के लिए दोस्तों। तो देखिए हॉट पास मारते टाइम में देखिए अंदर से किस तरह से वो जो भी रहता है कचड़ा वो हट जाता है, निकल जाता है। देखिए जितना हीट होगा उसी प्रकार से अच्छी तरह से पूरा परफेक्ट अंदर से भी रूट निकलते जाएगा। देखिए अब दूसरा दोस्त चालू करने वाले हैं, किस प्रकार से वो भी हॉट पास मारेंगे और हॉट पास मारने के बाद कैपिंग और फाइनल मारा जाएगा। इसका थिकनेस कम है तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, थिकनेस रहता है तो उसको बारी बारी से लेयर बाई लेयर मार के पहले आर्क से भरा जाता है, आर्क से जब फुल हो जाता है तब फिलअप और फाइनल किया जाता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है दोस्तों। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों में भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियो फिटअप वेल्डिंग के बारे में लेके आते रहता हूँ दोस्तों। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम ऐसे ही वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने दोस्त को। मैं आपका दोस्त विवेक कुमार यादव मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।